नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज की एक खास वीडियो है गिफ्ट के ऊपर। दोस्तों, हम कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तोहफे ज़रूर देते हैं, गिफ्ट ज़रूर देते हैं, चाहे वो किसी का जन्मदिन हो या किसी की शादी की सालगिरह हो, किसी की शादी हो या कुछ भी ओकेजनली हम लोगों के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर लेके जाते हैं अपने प्रिय के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सभी रिश्तेदारों के लिए हम गिफ्ट ज़रूर लेकर जाते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आपको क्या गिफ्ट देना चाहिए और क्या नहीं? यदि आप अब तक ये भूल करते हुए आ रहे हैं कि आप जो है राधा रानी या राधा कृष्ण जी की मूर्ति यदि आप किसी को उपहार में दे रहे हैं तो उससे आपको क्यों बचना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि ये उपहार में कभी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, आज हम इसके पीछे की पूरी वजह लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी राधा कृष्ण की मूर्ति उपहार में किसी को देने जा रही हैं या देना चाहती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्यों? तो चलिए बताते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए किसी को। दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार उपहार की तुलना दान से की गई है। ऐसे में भगवान की मूर्ति गिफ्ट करने का अर्थ है दान में देना। वहीं दान के नियमों में ईश्वर की प्रतिमा वर्जित मानी जाती है। दोस्तों, अगर बात स्कंद पुराण की जाए तो स्कंद पुराण में अपात्र दान यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दान के योग्य ना हो उसे दान न देने का विधान है। ऐसे में जो व्यक्ति भगवान की मूर्ति की देखभाल ना कर सके उसे ईश्वर प्रतिमा कभी नहीं देनी चाहिए। अब वास्तु का क्या मानना है? तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र में भी मूर्ति गिफ्ट करने की बात कही गई है, लेकिन नियमों के साथ, यानी कि राधा कृष्ण की मूर्ति उसे ही दे जो इसकी पूजा करे, ना कि किसी एक कोने में शोपीश की तौर पर रख दे। अब बात आ गई शादी ब्याह में इसको गिफ्ट करें या ना करें। तो राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कभी भी इनकी शादी नहीं हुई थी। इसी कारण से किसी भी नव दंपत्ति को शादी के तोहफे के रूप में राधा कृष्ण की मूर्ति गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। अब बात की जाए शिव जी और माँ पार्वती जी की मूर्ति के बारे में। अगर आप किसी को मूर्ति ही गिफ्ट करना चाहते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही त्याग और प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को सुख एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरण दबाती हैं, जो प्रेम के साथ साथ सेवा भाव को भी दर्शाता है। इतना ही नहीं, भगवान की मूर्ति को रखने के बेहद नियम भी होते हैं। भगवान की मूर्ति को शोपीस ना बनाएं, बल्कि घर में रखी भगवान की मूर्ति की रोजाना पूजा करें। उन पर धूल ना जमने दें, मूर्ति ऐसे ही ना रखें, बल्कि विधि विधान से उसे स्थापित करें। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्ति किसी को गिफ्ट करने से पहले इन नियमों को अवश्य जान लें। यदि आपको हमारी इन स्टोरीज में, इस वीडियो में दी गई ये जानकारियां पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल मोक्ष पर नए हैं तो मोक्ष को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें।